नमस्कार साथियों साथियों स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा नगर निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु एक विज्ञापन जारी हुआ है। और साथियों इस वीडियो का जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ पीएच हैंडीकैप्ड जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके संदर्भ की हम बात करेंगे, उनसे रिलेटेड बात करेंगे। उनका ही जो है हमारा उद्देश्य रहेगा, क्योंकि ये जो है वैकेंसी है सबके लिए हैं वैसे, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य वो पीएच कैटेगरी वाइज रहेगा। तो मोटा मोटी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि जानकारी बहुत बड़ी है। सबसे पहले जो ये है वैकेंसी वो है नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी। जो नगर में जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके देखरेख में जो कर्मचारी है मतलब है ना नौकरी जो है उनके उनकी नौकरी उन ऑफिसरों की नौकरी जो इधर उधर साफ सफाई करवाते हैं, नालियों की जो भी करवाते हैं, उनके जो ऑफिसर होते हैं बड़े हेड, उनकी जो ये वैकेंसी है जो नगरों में होती है ना नगर पालिकाओं में है ना। आवेदन प्रक्रिया एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भरना आपको फॉर्म, और ये जो वेबसाइट दी हुई है इस पर जाके आपको लॉगिन करके वहीं पर जो है फॉर्म भर देना है। नॉर्मल इतना कोई बात नहीं है। तो इसमें सारा डॉक्यूमेंट है, ये नॉर्मल है, ये जानते ही आप इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। वेबसाइट इस तरह से मिल जाएगा। सबसे पहले बात आती है क्या दिव्यांगजन भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भर सकते हैं। 400 रुपये दिव्यांगजनों की जो इसकी फ़ीस है, अर्थात जो फीस पे करने की जो है फीस 400 रुपये दिव्यांगजनों के लिए है। और ये सारे यहाँ पर कितनी सीटें खाली है नगर पालिका में, जो नगर निकाय के जो सफाई कर्मचारी है उनमें कितनी सीटें हैं ये सारे यहाँ पर बता रखा है, सब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल है ना। सबसे पहले जो खास चीज़ है उसको देखने वाले हैं, इसमें खास चीज़ क्या है। दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये फीस के हैं। इसके अलावा आरक्षण जो दिया जाएगा वो वही BLLV CBLDCP जो भी 4% कैटेगरी जो है उनके अनुसार ही दिया जाएगा। 1% जो अल्प दृष्टि जो भाई हैं है ना, एक मिनट हम थोड़ा ऊपर निकाल के ना, विशेष योग्य जिनके जो ये यार इधर दब रहा है ना मेरे हाथ से इसीलिए थोड़ा सा विशेष योग्य जिनके लिए जो भर्ती है ना वो 4% आरक्षण है। सबसे पहले BLLV को, उसके बाद HI वालों को, उसके बाद LD कैटेगरी को, उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटी को 4% आरक्षण, वो जो आरक्षण वाला काम है वही इसमें दिया जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है ऐसा नहीं कि आप दिव्यांग में फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। विशेष योग्यजन जो है यथावत अपने वर्ग एवं विशेष योग्यजन की श्रेणी, यानी आप जनरल में हो प्लस LD कैटेगरी से हो, विकलांग में सब कैटेगरी, उसको भी आपको चॉइस करना होगा। और प्रमाण पत्र जो है आपका UTI कार्ड इसमें रहेगा, वरना आपको जो है इसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र आप नॉर्मल है ना। तो कुल मिलाकर ये अच्छी खासी है, लेकिन सबसे बात आती है नियुक्ति की है ना, बात आती है नियुक्ति की। नियुक्ति की जो है इसमें कैसे क्या दिया हुआ है, तो इसमें क्या है साथियों देखिए कि जो इसमें जो है अगर आपने कहीं पर समय किए है ना, चयन समिति द्वारा ऑनलाइन पत्र में आवेदन करने के लिए बार बताया गया है, नियुक्ति की अयोग्यताएं बना बताई गई है, पेंशन और आपका जो चयन होगा वो साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, आपको साक्षात्कार से लेकर बुलाया जाएगा। लेकिन क्या इसमें सभी फॉर्म भर सकते हैं? इसमें देखिए सभी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया को 11वां पॉइंट देखिए आप, नगरीय निकाय का विज्ञापित पदों हेतु पात्र चयन निकाय पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चयन समिति द्वारा यदि आवश्यक समझा की नियुक्ति पर मुख्य पर सफाई कार्य यदि रोड मतलब जो है आपका रोड का काम कुछ भी करके भी आपको अंतिम रूप से चयन किया जा सकता है। लेकिन आपका जो है ये है ये ना आपके अनुभव प्रमाण पत्र, 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब ये तो नहीं होगा तो फिर वो जो है आवेदन आप कैसे कर पाओगे। तो ये थी वैकेंसी, ये थी न्यूज़ दिव्यांगों के लिए, खास करके हमने बात की इसमें एक अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, बाकी सब नॉर्मल है, आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत है ना।